बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर कर कहा था, गुजर जाएगा मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है गुजर जाएगा। लेकिन भला किसको खबर थी कि कोरोना काल के इस मुश्किल वक्त में लोगों में जज्बा और जोश भरने वाले खुद बिग बी की जिंदगी में भी कोरोना वायरस की दस्तक हो जाएगी। करोड़ों दिलों में बसने वाले अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ साथ उनकी बहू ऐश्वर्या रॉय बच्चन और उनकी पोती आराध्या भी कोरोना से पीड़ित थी, जबकि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन का इलाज नानावटी अस्पताल में चल रहा है। बिग बी के कोरोना संक्रमित होने की खबर ने उनके सभी चाहने वालों की धड़कनें बढ़ा दी है। हालांकि अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बिग बी की हालत अभी सही है, लेकिन फैंस तो फैंस हैं, उन्हें भला चैन कहाँ। इसी बीच देश भर में बिग बी के स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की दुआएं की जा रही है, हवन पाठ हो रहे हैं। मुंबई के कांदिवली स्थित हनुमान मंदिर में महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया। इस हवन पाठ में बिग बी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। जैसे ही लोगों को खबर मिली कि अमिताभ बच्चन को विले पार्ले के डॉक्टर बालाभाई नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो उनके फैंस ने अस्पताल के बाहर जमा होना शुरू कर दिया। बिग बी की इन फैंस को पुलिस लगातार वहां से हटा रही है। पुलिस की जानकारियों के मुताबिक, आपको बता दें, अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ ना लगे इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। अस्पताल में और भी कोरोना मरीज हैं, उन्हें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अस्पताल के बाहर लोगों को जमा नहीं होने दिया जा रहा है। बिग बी के बंगलो, जलसा और प्रतीक्षा की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि शनिवार रात अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ जिसमें उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की गई थी। बिग बी ने ये जानकारी खुद ट्वीट कर शेयर की थी।